सोचा है कि एक रोबोट आपका इंटरव्यू लेगा और आपको जॉब के लिए हायर करेगा। जी हाँ, अब ऐसा हकीकत में होते दिख रहा है। दरअसल एक रूसी स्टार्टअप ने रिक्रूटमेंट के लिए विशेष तौर पर बनाए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों को हायर करने का प्रयोग शुरू कर दिया है। इसके लिए एक लेडी रोबोट की मदद ली जा रही है जिसका नाम रॉबर्ट वीरा है। रॉबर्ट वीरा पेप्सिको, लॉरियल और आई लाइक जैसी दिग्गज कंपनियों को वैकेंसीज फील करने में उनकी मदद कर रही है। इस रोबोट को एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले अलेक्जेंडर यूराकिसिन और व्लामिदिर शेजनिकोव ने मिलकर तैयार किया है। ये दोनों सेंट पीटर्सबर्ग स्थित टाफोरी स्टार्टअप के को फाउंडर है। इनके मुताबिक एचआर का काम काफी हद तक रोबोटिक है और यहीं से ये नया रोबोट तैयार करने का आइडिया आया। टाफोरी के पास कभी तकरीबन 300 क्लाइंट्स है। रोबोट वीरा सर्विस डिपार्टमेंट से जुड़े क्लर्क, वेटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर आदि को हायर करती है। इससे कंपनी को हायर करने में समय की बचत और रिक्रूटमेंट खर्च की लागत में भी राहत मिल जाती है। इस रोबोट का सॉफ्टवेयर वीडियो या वॉइस कॉल्स के जरिए एक वक्त में एक साथ सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू ले सकता है। रोबोट वीरा की मदद से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आने वाला कुल खर्च घटकर लगभग एक तिहाई रह जाता है। इसके फाउंडर्स ने पाया कि रिक्रूटमेंट के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जॉब में जो लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं उन पर भी टाइम और पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दिया जाए। प्रोग्रामर्स ने रोबोट वीरा को टीवी, विकिपीडिया और जॉब लिस्टिंग्स की भाषा और स्पीच की मदद से 13 बिलियन उदाहरणों से ट्रेनिंग दी है। इसके चलते ये रोबोट बेहतरीन ढंग से संवाद कर सकती है। अब इस रोबोट का गुस्सा, निराशा, सरीक भावों को समझाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रोबोट ऐसे वक्त में आई है जब जॉब देने वाली ज्यादातर कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ रही हैं या जुड़ने की इच्छुक दिख रही हैं। हायरिंग से लेकर फायरिंग तक के डिजाइन में ये एक अहम रोल निभाने वाला है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।